एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय सेल्फ अंकिता। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपना ये मेकअप लुक जो कि मैंने क्रिएट किया है फॉर सरस्वती पूजा यानी वसंत पंचमी के लिए। इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने कोई हैवी फाउंडेशन या कुछ ऐसे यूज़ नहीं किया है, मैंने सिंपल सीसी क्रीम यूज़ की है। एंड मैंने कोशिश की है एक न्यूट्रल मेकअप लुक क्रिएट करने की जो कि आपके हर आउटफिट के साथ चला जाए, और अगर आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं तो भी आप इस लुक को बहुत ईजिली कैरी कर सकते हैं अपने किसी भी कलर के आउटफिट के साथ। सो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, और उससे पहले मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, और साथ ही साथ शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी। सो बहुत ज़्यादा बातें हो गई, चलिए बातें बंद करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पर रोज़ ग्लो टोनर गुड वाइब्स का यूज़ किया है, और अच्छी तरीके से अपने फेस को आप इससे मसाज कर लीजिए, जिससे आपकी स्किन, क्योंकि मेकअप करने से पहले स्किन को प्रेप करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। सो आफ्टर यूजिंग टोनर मैंने यहाँ पर यूज़ किया है निविया सॉफ्ट की ये क्रीम, मैं ले रही हूँ मॉइस्चराइज़र, और इसे मैं अपने फेस पर अच्छे, और इसका गुड अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइज़र आपको लेना है, बहुत बुरा सा नहीं लेना है, क्योंकि हम मेकअप करेंगे तो हमारे फेस में हाइड्रेशन होना ज़रूरी है, बिकॉज मेकअप लाइक हम कॉम्पैक्ट यूज़ करेंगे, सीसी क्रीम या फाउंडेशन जो भी आप यूज़ करते हैं वो हमारी स्किन से मॉइस्चर थोड़ा सा हमारी स्किन में चाहिए, अगर हमारी स्किन हाइड्रेट नहीं होगी तो आपका मेकअप क्रैक होने लगेगा। सो आफ्टर यूजिंग मॉइस्चराइज़र मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ नायका का प्राइमर। फ्रेंड्स, प्राइमर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है किसी भी तरीके के मेकअप का, चाहे आप हैवी मेकअप कर रहे हो चाहे आप नॉर्मल मेकअप कर रहे हो। तो मैंने यहाँ पर नायका का प्राइमर यूज़ किया है सॉरी। इसके बाद मैं यहाँ पर वैसलीन ले रही हूँ, जिससे मैं लिप्स पे वैसलीन अप्लाई किया मैंने। एंड नाउ अब मैं यहाँ पर कंसीलर के लिए यूज़ कर रही हूँ मेरा एज रिवाइंड मेबलिन का एज रिवाइंड कंसीलर। और फ्रेंड्स, अब तक का मेरा जो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है कंसीलर में स्पेशली, वो ये कंसीलर मेरा मोस्ट फेवरेट है अभी करंट में, मेरा ये बहुत अच्छा फेवरेट कंसीलर है, बहुत अच्छी तरीके से स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है, इतनी अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाता है, तो बहुत ही मुझे ये पसंद आता है फ्रेंड्स। तो अपने जहाँ भी आपको ऐसा लग रहा है डार्क सर्कल्स हैं या लिप्स के फेस पे जहाँ नेवननेस है वहाँ पर आप इसको अप्लाई करेंगे, और मैं कंसीलर फिंगर्स की हेल्प से अप्लाई करती हूँ, तो फिंगर से डैबिंग मोशंस में आपको इसको अप्लाई करना है और ड्रैग नहीं करना है, डैब डैब करके ब्लेंड करने की कोशिश कीजिए, ड्रैग मत कीजिए, अदरवाइज वो प्रोडक्ट उस जगह से हट जाएगा जहाँ पर आपको लगाना है और वो अनइवन स्किन आपकी दिखती ही रहेगी। सो डैबिंग मोशन में आपको अपना कंसीलर फर्स्ट अप्लाई कर लेना है। नाउ उसके बाद मैं यहाँ पर जियोडर्नी गोल्ड की सीसी क्रीम यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स। आप चाहो कोई भी सीसी क्रीम या बीबी क्रीम यूज़ कर सकते हो, इसे भी मैंने एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर से, आपको ब्यूटी ब्लेंडर को गीला कर लेना है और उसे बहुत अच्छी तरीके से स्क्वीज़ करके फिर उसको अपने फेस पे यूज़ करना है। आप सूखा ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करेंगे, अगर उसे गीला नहीं करेंगे तो वो आपका सारा फाउंडेशन या जो भी आपने क्रीम यूज़ की है वो ब्लेंडर ही सोख लेगा और आपकी स्किन पर नहीं जाएगा, तो थोड़ा सा ब्लेंडर को गीला करना ज़रूरी होता है, और इस तरीके से डैबिंग मोशन में ही आपको अपनी सीसी क्रीम या फाउंडेशन को ब्लेंड करना है। फ्रेंड्स, ब्लेंडिंग में आप जितना टाइम देंगे, जितना अच्छे तरीके से आप ब्लेंड करेंगे अपने बेस को, उतना ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग आपका मेकअप हो जाएगा। सो आफ्टर ब्लेंडिंग यहाँ पर मैं कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का 9 to 5, लैक्मे 9 to 5 का ही मैं कॉम्पैक्ट अपने पूरे फेस पर हल्के हाथों से यूज़ करूँगी। नाउ फॉर आई मेकअप मैंने यहाँ पर रेवोल्यूशन का पैलेट लिया है, और यहाँ पर मैं एक डार्क ब्राउन शेड, कोई भी आप अपने पैलेट से डार्क ब्राउन शेड ले लीजिए, और इसको जस्ट आउटर वी पे प्लेस करते हुए इनर कॉर्नर तक लेके जाना है, और ज़्यादा हमें आउटर वी पे फोकस करना है जिससे आपकी आंखें थोड़ी सी ब्रॉड या बड़ी दिखाई देंगी, और इस तरीके से आपने करना है। कोई एक्स्ट्रा और हम दूसरा कोई कलर यूज़ नहीं करेंगे फ्रेंड्स इस आई मेकअप में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत ही सिंपल सा ये मेकअप रखने वाली हूँ।
आपको यही कलर लेकर के हमें अपने लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई करना है। सेम ब्रश को यूज़ करते हुए मैं कर रही हूँ। नाउ ये हमारा ब्राउन आई शेडो वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है और इसके बाद नाउ इसके बाद मैं यहाँ पर हाइलाइटर यूज़ करूँगी, जो कि हम नॉर्मली अपने फेस पे हाइलाइटर यूज़ करते हैं उसी को मैं अपने आईलिड पर सेंटर ऑफ द आईलिड में मैं अप्लाई कर लूँगी। और दैट्स इट फ्रेंड्स, ये आई मेकअप कंप्लीट हो गया है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको और बहुत ही खूबसूरत लगता है। स्पेशली आप डे टाइम पर कैरी करो या नाइट टाइम में आप ये आई मेकअप कैरी करो, बहुत खूबसूरत लगेगा। नाउ मैं यहाँ पर शुगर की आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ फॉर शेपिंग माय ब्राउज। और ये फ्रेंड्स, ये भी मेरा मोस्ट करंट फेवरेट प्रोडक्ट है, ब्यूटी प्रोडक्ट है, बिकॉज बहुत अच्छा इसका कलर है और बहुत अच्छी तरीके से आप इसको यूज़ कर पाते हैं। बिगिनर हैं, आपको नहीं आता, क्योंकि ब्राउज़ को शेप देना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर आपने ब्राउज़ को शेप नहीं दिया है तो आपके फेस पे आप कितना भी अच्छा मेकअप कर लीजिए, वो दिखाई नहीं देगा। सो ब्राउज़ को शेप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो टाइम दीजिए, ब्राउज़ को थोड़ा सा शेप दीजिए और दैट्स इट। नाउ उसके पीछे जो स्पूली दिया हुआ है उससे मैं अपने ब्राउ हेयर्स को कॉम कर रही हूँ। नाउ मैं यहाँ आईलैश कर्लर यूज़ करने के बाद अपने आईलैशेस को कर्ल कर लूँगी, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग विथ एनी फॉल्स लैशेस। सो अगर आप फॉल्स लैशेस लगाने के शौकीन नहीं है मेरी तरह, तो आप ये वाला ट्रिक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद अगर आईलैश कर्ल करके आप मस्कारा लगाते हैं तो आपको लैशेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ यहाँ पर मैंने अपना लाइनर लगा लिया है और उसके बाद मैं यहाँ मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। जियोडानी गोल्ड का ही ये मस्कारा भी है और लाइनर आपको सिर्फ आउटर, मैंने एक सिंपल सा छोटा सा विंग ड्रॉ किया है, बहुत पूरा लाइनर नहीं लगाया है मैंने। एंड ये हमारा मस्कारा वाला पार्ट भी कम्प्लीट हो गया है। नाउ उसके बाद मैं यहाँ पर वाइट काजल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स, सॉरी, मेरे जो बीच का एक क्लिप था वो शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ। सो ये ब्लश एंड कॉन्टोर वाला, तो मैं यहाँ पर ब्लश यूज़ करी और कॉन्टोर के लिए मैंने यहाँ पर शुगर का ये कॉन्टोरिंग किट यूज़ किया था मैंने। सो इस तरीके से हमें कॉन्टोर कर लेना है अपने फेस को और ब्लश ऑन अपने एप्पल ऑफ चीक्स पे लगा लेने हैं। इसके बाद मैं सेम हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ जो कि हमने आईलिड पर यूज़ किया था, और अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट करते हुए अपने चिक बोन्स को हाईलाइट कर लेना है, जिससे ये बहुत अच्छा ग्लो करता है फ्रेंड्स। सिवाना का हाईलाइटिंग एंड कॉन्टोर, वो ब्लश एंड कॉन्टोर पैलेट है मेरे पास, बहुत ही खूबसूरत ये सिवाना का पैलेट है और बहुत अफोर्डेबल भी है। नाउ इसके बाद आप कोई भी न्यूड लिपस्टिक लगा लीजिए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा पिंकिश डार्क टोन वाली मैंने यहाँ पर लिप शेड अप्लाई किया है। ये मेरा, मैंने ऑफलाइन परचेज़ की थी ये वाली लिपस्टिक, एंड ऐसी कोई लोकल ब्रांड था, आई डोंट नो, मुझे ब्रांड नेम भी नहीं याद है, लेकिन मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो मैं इसको स्पेशली डे टाइम के लिए मैं ये वाली लिपस्टिक के साथ ज़रूर जाती हूँ, मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगता है। और इसको अच्छी तरीके से आपने अप्लाई कर लेना है अपने लिप्स पे। सो ये मेकअप हमारा कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट, और सारी चीज़ें हमने अप्लाई कर ली हैं। और ट्राई ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स इस मेकअप को। और जो लास्ट स्टेप है हमारा, वो है मेकअप फिक्सिंग स्प्रे। यहाँ पर मैं स्विस ब्यूटी का ये स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। ये स्प्रे मुझे बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स, बहुत ही अफोर्डेबल है, साथ ही साथ आपके मेकअप को बहुत अच्छे तरीके से सेट करता है, लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, साथ ही साथ एक ग्लो ऐड कर देता है फेस पे, बहुत अच्छा मेकअप आपका खिल के आता है। सो नाउ यहाँ पर हमारा मेकअप कंप्लीट हो गया है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये मेकअप लुक अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर दे दीजिएगा फ्रेंड्स एक। सो दिस इज़ माय फाइनल फिनिश्ड लुक।